वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 36, जो कि है हमारी 25th ऑफ सितंबर की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसे कहते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो आइए चलते, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं पेरीमीटर और एरिया के बीच में फर्क क्या होता है और कैसे इसको पहचानते हैं, क्योंकि वहीं पर ही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर कोई शेप दे रखी है, आप मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल आपको दे रखा है, ये मैंने छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ बना दिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अगर मैं इसी टाइप का और एक रेक्टेंगल बनाऊं, यहाँ पे बना देते हैं ये, अभी दोनों में फर्क क्या है आप समझने की कोशिश करें। राइट वाले जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, उसमें सिर्फ मैंने क्या बनाई है, बाउंड्री। तो बाउंड्री जो मैं बनाता हूँ उसे कहते हैं हम पेरीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये अभी तक की आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एरो भी बना देता हूँ। तो ये क्या है, बाउंड्री है, जिसे कहते हैं पेरीमीटर, ओके। और राइट लेफ्ट वाले में अगर आप देखेंगे, तो मैंने अंदर की बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट है, मैंने कवर एरिया भी कर दिया है, क्या कर दिया है, पेंट, उसे कहते हैं एरिया। तो पहला आप इसको यूज आप समझ सकते हैं, एरिया का कहाँ पे यूज होता है, जब हमें कोई चीज का पेंट करना हो उसका एरिया निकालते हैं हम। तो अगर हमें घर में क्या करना है, पेंट करनी है दीवार, तो पेंट करते समय जब हमारे पास कोई मिस्त्री आएगा, हम इसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, आप वो समझने की कोशिश करें। मिस्त्री आएगा तो वो आपको कुछ भी बता देगा कि भैया मेरे पास लगेंगे 10,000 रुपए लगेंगे। अब आपको अगर मैथ्स ही नहीं आती है उस चीज की कि भैया कैसे लगेंगे, किस हिसाब से लगेंगे, तो वो बोलता है कि पर स्क्वेयर यूनिट लगेंगे, ठीक है, पर स्क्वेयर यूनिट। वो कह रहा है 10 रुपए पर स्क्वायर यूनिट। अब आपको पता ही नहीं है कि उस दीवार का एरिया है कितना, तो आप उसके साथ करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, ओके। चलो ये तो हो गई आपके रियल लाइफ एग्जांपल। अब क्वेश्चन आपको घुमाऊदार कैसे आता है। अब वो क्वेश्चन कहता है कि एक बंदा है जो एक पार्क के आसपास चक्कर काट रहा है। देखो, पार्क के अगर आसपास चक्कर काटेगा तो ऐसे 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 काटेगा ना बाहर की तरफ, अंदर ऐसे ऐसे तो कोई काटता नहीं है। ऐसे ऐसे जाते हो कोई नहीं, सीधे सीधे जाते हैं, लेकिन वो रोड होती है। लेकिन अगर पार्क है तो वो गोल गोल चक्कर काट रहा होगा, या फिर रेक्टेंगल शेप में होगा तो रेक्टेंगल शेप में का चक्कर काटेगा। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे उस केस में। अगर मुझे उसी पार्क के अंदर की घास निकालनी है कि उसके अंदर घास कितनी लगी है, तो इसका मतलब उस केस में क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, बट इसके बहुत सारे और क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो क्रिकेट का ग्राउंड है, आजकल आईपीएल चल रहा है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप देख भी रहे होंगे। तो क्रिकेट का जो ग्राउंड है, जो बाउंड्री होती है उसकी, जो बाउंड्री पे रस्सी लगाई होती है, अगर मुझे जाननी हो कि वो रस्सी कितनी लगेगी है मेरे ग्राउंड में, तो उसके लिए मैं क्या निकालूँ, एरिया या पेरीमीटर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करता हूँ आप बता पाएंगे कि उसके लिए मुझे एरिया निकालना चाहिए या पेरीमीटर। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे इस वर्कशीट में कंटेंट क्या दे रखा है, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला दे रखा है, आप इसको जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में, 2 ब्रैकेट L+B, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है L×B, ठीक है। ये तो रिवीजन हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो है आगे जाके हीरोन्स फॉर्मूला से जुड़ जाएगा। आज की वर्कशीट में तो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं आ रहा, आज की वर्कशीट में हमें पुराने ही कॉन्सेप्ट से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आइए चलते हैं इन 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एन लेंथ ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, आगे जाके जो है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होने वाला है, वो है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से बना है, तो मैं आपको एक बार उसका भी थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ, ताकि नेक्स्ट वर्कशीट में हमें थोड़ी आसानी हो जाए। तो साइड स्क्वायर का मतलब होता है 12 × 12 हो गया। तो इससे मेरे को हिंट मिल जाएगा कि क्या मैं आंसर जो करने वाला हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो 36√3 cm² ये आंसर होने वाला है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि मैंने जो आंसर यहाँ पर निकाला है 36√3 cm² वो सही है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, बाद में देखूंगा मैं इसको। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो मैं इसको मान लेता हूँ, ये हो गई ए साइड, ये बी साइड, और ये हो गई सी साइड। ये भी 12,
ये भी 12 और ये भी 12। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर जैसे बनता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में, वो नीचे वाली साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो ये क्या हो गई 6, ये भी हो गई 6 6 6। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, BD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, AD की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हमारे पास बेस तो है, ये बेस है BC 12 हमारे पास है, हाइट नहीं पता AD। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गई परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस चीज को हम इस ट्राइंगल में देखें, ये वाले ट्राइंगल में देखें, तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो क्या है 12, तो मैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख देता हूँ, इक्वल्स टू बेस क्या है 6 प्लस परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, और ये उधर भेजूंगा 6 का स्क्वायर हो गया 36, और उधर जाके -36 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं, ये हो गया 6 8 आया, ठीक है। यहाँ पे माइनस करने के बाद 36 और यहाँ पर आ गया 3, क्योंकि हमने यहाँ से लिया 3 - 3 0 1, ठीक है 108 हो गया। बेसिकली 108 का अंडर रूट हम निकाल देंगे पी। अब अंडर रूट कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। अंडर रूट के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, यहाँ पर आएगा 54, फिर हम 2 से करेंगे आएगा 27, फिर हम 3 से करेंगे यहाँ पर आएगा 9, और फिर दोबारा 3 से करेंगे यहाँ पर आएगा 9 का 3 और यहाँ पर आएगा 1। तो ये देख रहे हैं कि ये 2 एक बार आ गए, तो इसका मतलब 2 × 3 कितना आ गया 6, 6 बाहर आ गया और √3 अंदर, क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर वो इसकी वैल्यू है। अब मैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में यहाँ पर डाल देता हूँ, हाफ बेस, बेस क्या था 12 और हाइट क्या है हमने निकाल ली है 6√3 सेंटीमीटर हो गया, ये कट गया यहाँ पर कितना आया 6, तो 6 × 6 = √3 cm². तो ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना लंबा तरीका हमने अभी करा है, और यहाँ पे हमने 2 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को कर दिया था, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला पसंद आया होगा, अगर फॉर्मूला पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे फॉरवर्ड करें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन एन लेंथ आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसके अंदर दो साइड्स तो बराबर होती हैं, ओके ABC, और तीसरी साइड बराबर नहीं होती। इक्वल साइड्स कितनी हैं 10, तो मतलब ये भी 10 हो गया ये भी 10 हो गया, एंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 16, तो ये हो गए 16। तो ये रफ फिगर है तो इसको एक्यूरेट ना माने। हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8। तो उसी तरीके से इसको मैं डी ले लेता हूँ, तो मैं पहले क्या कर दूंगा, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब AD का
स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस ये 8 उधर जाएगा तो माइनस होके 64 इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर, ये डी है। यहां पर आ गया 636 हो गया इक्वल्स टू एडी, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, वरना मीटर जो भी होगा, मतलब मीटर होगा तो मीटर। अब हमें एरिया निकालना है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, हाफ बेस कितना है 16, बेस हो गया 16 और हाइट हो गई 6, तो ये हम 8 कर देते हैं, 8 इंटू 6 36, 48 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ये वाला चैनल, और इसी तरीके से हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।